आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज़ एंड थेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन सूट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एमएस ऑफिस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड एक्टिविटीज़, यानी मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज़ एंड थेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के लिए या फिर सॉफ्टवेयर के लिए जो भी ऑफिस एक्टिविटीज़ है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो एमएस ऑफिस 13 की मान लेते हैं हम। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है वो रहेगा एमएस ऑफिस 13। पुराने सॉफ्टवेयर्स के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि जब नया वर्जन आ जाता है तो वो उसे रिप्लेस कर देता है। तो एमएस ऑफिस 13 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक नया संस्करण है जो विंडोज़ 8 या उससे नीचे वाले वर्जन्स पर काम कर सकता है, लेकिन विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ विस्टा को पर यह नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर क्या चाहिए, तो 1 GHz का प्रोसेसर चाहिए आपको। 64-bit प्रोसेसर या 86-bit प्रोसेसर हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, आराम से काम करेगा। मतलब मेमोरी आपको चाहिए रैम 1 GB 32-bit के लिए, और अगर 64-bit पे आप चलाना चाह रहे हो तो 2 GB रैम चाहिए। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या तो वो 32-bit होता है या तो 64-bit होता है। हार्ड डिस्क में आपको स्टोरेज चाहिए 3 GB अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डिस्प्ले में ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आप 8 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, ठीक है 10 ले सकते हो, तो ये सारे काम कर जाएंगे। ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो या फिर सफारी, क्रोम, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। .NET वर्जन आपके पास होना चाहिए 3.5, 4.0 या 4.5। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडर्न ऑफिस गतिविधियाँ, यानी कि अभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मॉडर्न एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकमिंग आउटगोइंग मेल की संभावना, यानी कि आपके पास इनकमिंग मेल या आउटगोइंग मेल के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। कार्यप्रणाली, यानी कि ऑफिस सिस्टम प्रक्रिया और तरीकों, यानी ऑफिस सिस्टम की जो प्रक्रिया है और तरीके हैं उनका विकास। ठीक है, रिकॉर्ड का रखरखाव यानी फाइलिंग और अनुक्रमण। ठीक है, कार्यालय के काम पर मानक स्थापित करना, यानी कि मैं जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ आपको बता रहा हूँ आजकल जो होती हैं जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कार्यालय के काम का मानक स्थापित करना, कार्यालय के फर्म्स स्टेशनरी आदि पर डिज़ाइन। ठीक है, कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण, यानी कि ये सब भी आप उसके द्वारा कर सकते हो। फर्नीचर मशीनरी उपकरण आदि का रखरखाव, बयानों की तैयारी एवं रिपोर्ट्स आदि। ठीक है, खातों एवं अन्य वित्त अभिलेखों का बनाए रखना, यानी कि आपको डेटाबेस बनाने पड़ते हैं। टेलीफोन एवं कॉल पूछताछ हैंडलिंग। ठीक है, फर्म के लिए जानकारी तैयार करना, उपयोग के लिए संपत्ति की सुरक्षा, पूछताछ का आदेश आदि रखरखाव का आपको हैंडल करता। कार्यालय में काम के कुशल प्रभाव को बनाए रखना, टेबल तैयार करना, उसके डेटा को व्यवस्थित करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सारे मॉडर्न एक्टिविटीज़ आज के टाइम पे होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सूट। तो इंट्रोडक्शन ऑफिस ऑटोमेशन सूट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ऑफिस सूट्स में, सूट्स का अर्थ होता है संबंधित कार्यक्रमों कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन सूट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूट्स का अर्थ होता है संबंधित कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट, यानी कि एमएस ऑफिस या एक्सपी पैकेज। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंधित प्रोग्रामों का एक सेट होते हैं जो आपस में जोड़े गए हैं, साझा रूप से व्यवहार किए जा सकने वाले टूल्स के कारणों के गुणों के कारण भी इनका नाम सूट्स होते हैं। यानी कि इनमें ऐसे गुण होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आप इनको जोड़ सकते हो, यानी कि मतलब इनको जोड़ा जा सकता है, एक सूट के रूप में होते हैं ये हमें। ठीक है, डिफरेंस ऑफिस सूट्स, यानी कि आपके पास एक ही सूट्स नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे सूट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टार सूट्स। ठीक है, तो स्टार सूट आपको देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। और अगर आप दूसरा देखते हो तो यहाँ पर आपको स्मार्ट, ठीक है, ऑफिस, या इसको भी आप सूट बोल सकते हो। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा इसमें ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस, ठीक। तो ये ओपन ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स या फिर इनके कुछ काम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनसे आप स्टार सूट जो होता है यह माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। इस स्टार सूट में स्टार ऑफिस राइटर, स्टार ऑफिस कैल्क, स्टार ऑफिस इम्प्रेस, स्टार ऑफिस बेस, स्टार ऑफिस ड्रॉ, यानी कि जो आपको एमएस ऑफिस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। नाम काम इनका भी वही है, लेकिन इनके नाम चेंज कर दिए हैं। जैसे कि एक्सेल की जगह पे यहाँ पे कैल्क आ गया है, ठीक है, वर्ड की जगह पे यहाँ पे राइटर आ गया है, ठीक है, और इम्प्रेस की जगह पे यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है, एक्सेस की जगह पे यहाँ पे बेस आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो स्मार्ट ऑफिस या लोटस ऑफिस भी आप इसको कह सकते हो। तो स्मार्ट ऑफिस का एक सूट है जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन के लिए असंख्य अनुप्रयोग समायोजित किए गए, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समायोजित मिलेंगी। इसके पास उस कंपनी के लिए बहुत कुछ है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सरल विकल्प चाहती है। स्मार्ट ऑफिस में इसे लोटस अप्रोच मिलेनियम एडिशन, स्मार्ट ऑफिस को में लोटस मिलेनियम अप्रोच मिलेनियम एडिशन भी है। लोटस फास्ट साइट रिलीज 2, यानी कि इनने एक और नया वर्जन रिलीज किया है, लोटस फास्ट साइज रिलीज 2, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स मिलेनियम एडिशन, ठीक है, ठीक है, लोटस 1 2 3 मिलेनियम एडिशन, लोटस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर 5.0 तथा लोटस वर्ड प्रो मिलेनियम एडिशन शामिल है। तो ये कुछ उसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट है इसके बाद ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस सूट एक पूर्ण ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लगभग सभी वितरणों के साथ काम करता है। यानी लाइनेक्स जो भी, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स भी ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके सारे संस्करण के साथ ही काम करता है, ठीक है, जिसमें ओपन ऑफिस एमएस ऑफिस का विकल्प हो सकता है। इस सूट में ओपन ऑफिस ओआरजी राइटर, ओपन ऑफिस ओआरजी कैल्क, ओपन ऑफिस ओआरजी इम्प्रेस शामिल है जो बिल्कुल वही काम करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोमेशन सूट्स मैंने आपको बताया, और मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज एंड थेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आज की क्लास